अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पासे विना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो व्यक्ति बुजुर्गों की नियमित रूप से सेवा करता है उसकी चार चीजों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। बुजुर्गों की सेवा करना हमारी भारतीय संस्कृति रही है। इसको बनाए रखना एवं उनका सम्मान करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से सभी लोगों में बुजुर्गों के प्रति सेवा, आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए चेतनालय ने सुंदर नगरी में सेवा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सुंदर नगरी, जनता कॉलोनी और कल्याणपुरी की सभी पीढ़ियों ने, लगभग 450 लोगों ने भाग लिया। रंगारंग कार्यक्रम द्वारा सभी पीढ़ियों को बुजुर्गों की सेवा और सम्मान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुई। बच्चों का सबसे पहला स्कूल उनका घर होता है। आइए देखते हैं अगली प्रस्तुति बच्चों द्वारा एक नाटक के माध्यम से। बच्चों के पहले शिक्षा आपके घर से शुरू होती है। बच्चों का पहला स्कूल आपका वही करता होता है। थैंक यू। ये तो है ना बच्चों को क्या होगा, हाँ ये क्यों, कहाँ से
हमारे माता पिता भगवान का रूप होते हैं। जिसके घर में माता पिता खुश रहते हैं वहां भगवान वास करते हैं। उनके आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए सीखते हैं इन बच्चों से।
कार्यक्रम के दौरान दर्शकों से सरकार द्वारा बुजुर्गों को जो भी योजनाएं दी गई हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने पर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। जो भी इन योजनाओं को जानते हैं, उन्हें प्रेरित किया गया कि वह समुदाय में सरकार द्वारा बुजुर्गों को दी गई योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। Yeah, I'm sorry.
सभी यूथ वॉलंटियर्स जिन्होंने पूरे साल बुजुर्गों की सेवा की उन्हें टी-शर्ट्स द्वारा सम्मानित किया। बुजुर्गों को अपने परिवार सहित स्टेज पर बुलाकर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया और सभी ने संकल्प लिया कि वे अपने माता पिता एवं अन्य बुजुर्गों का सम्मान कर उनकी सेवा करेंगे। अंत में सभी पीढ़ियों ने मिलकर डांस किया और हमेशा साथ रहने का प्रण लिया। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।